हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं हमारे क्विक वीडियो सीरीज जो जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उनके लिए। तो आप देख रहे हैं कंसल्टीज। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो टैक्स रेट की लिस्ट जो बहुत दिनों से शोर मचा रही थी, यानी कि वो बहुत सारी आइटम्स जिन पे कि टैक्स रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है उस पर एक नज़र हम लोग डालेंगे। तो लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे आती रहेगी, साथ में जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो मैं बोलती भी रहूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस पे अभी टैक्स रेट हमारा रिड्यूस होने वाला है। तो सबसे पहले इन आइटम्स में हम देखते हैं वो आइटम्स जिन पे कि जीएसटी रेट 28% से 18% कर दी है गवर्नमेंट ने। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वायर केबल्स, इंसुलेटेड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं, स्विचेस होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, पैनल्स, कंसोल्स, यानी कि वो सब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे आइटम्स आपको वही मिलेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन में ही यूज होने वाले हैं, या फिर घर गृहस्थी के जो डेली यूसेज के सामान हैं, कुछ खाने के सामान हैं, वो सब सबको रिड्यूस किया गया रेट को। देन पार्टिकल फाइबर बोर्ड्स, प्लाईवुड, आर्टिकल ऑफ वुड, वुडन फ्रेम, फर्नीचर, मैट्रेस, बेडिंग, सिमिलर फर्निशिंग, ट्रंक, सूट केसेस, वैनिटी केसेस, ब्रीफ केसेस, ट्रेवलिंग बैग्स एंड अदर हैंड बैग्स केसेस, डिटर्जेंट वॉशिंग एंड क्लीनिंग प्रिपरेशन, लिक्विड क्रीम फॉर वॉशिंग द स्किन, शैम्पू, हेयर क्रीम जो घर में यूज करने वाले होते हैं बेसिकली, प्री शेव और आफ्टर शेव लोशंस, परफ्यूम्स, परफ्यूमरी जो टॉयलेट प्रिपरेशन होती हैं, रूम डिओडाइजर्स होते हैं, परफ्यूम्स एंड टॉयलेट वाटर्स, ब्यूटी मेकअप, फैंस, पम्प्स, कंप्रेसर्स, यानी कि थोड़े से भी मशीनरी वाले आइटम्स आ गए, लैम्प एंड लाइटिंग, प्राइमरी सेल एंड द प्राइमरी बैटरी, सैनिटरी वेयर्स, आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, फ्लोर कवरिंग, बाथ शोवर, सिंक्स, वॉश बेसिन, सीट्स, यानी कि अगेन कंस्ट्रक्शन आइटम्स, स्लैब ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स के जो डिफरेंट टाइप थे सभी पे कम किया गया है, इवन सिरेमिक टाइल्स पे भी कम किया गया है रेट, सिरेमिक टाइल्स ऑफ ऑल काइंड्स और जो हमारे मार्बल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, टाइल्स वाले आते हैं वो भी और जो बड़े स्लैब्स होते हैं वो भी, मिसलिनियस आर्टिकल्स सच एज वैक्यूम फ्लास्क, लाइटर्स, रिस्ट वॉचेस, यानी कि घड़ियाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉच केसेस, उसके सभी पार्ट्स वगैरह पे कम किया गया रेट यहाँ पे, आर्टिकल ऑफ अपैरल एंड द क्लोथिंग एक्सेसरीज ऑफ लेदर, गट, फर स्किन, यानी कि जितने भी हमारे लेदर के और जितने भी उस तरह के जो हमारे वेयरिंग अपैरल्स हैं उन सब पे कम किया गया टैक्स रेट, आर्टिकल्स ऑफ कटरली, स्टोव, कुकर्स एंड सिमिलर जो कुछ किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, रेजर, रेजर ब्लेड, मल्टी फंक्शनली प्रिंटर्स, ऑफिसेज में यूज़ होता है जनरली, ऑफिस डेस्क इक्विपमेंट पे भी यहाँ पे टैक्स रेट कम किया गया है, डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स एंड ऑफ एल्यूमिनियम, आर्टिकल ऑफ प्लास्टर सच एज बोर्ड, शीट, आर्टिकल्स ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और आर्टिफिशियल स्टोन, एस्केलेट और स्लेट, माइका, ब्लॉक्स, पाइप्स, कंड्यूट, सब कंस्ट्रक्शन आइटम्स हैं आप जो भी देख रहे हैं, ग्लासवेयर्स हैं, वेयरिंग मशीन्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, हमारे फॉर्कलिफ्ट्स या फिर जो हमारे लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, बुलडोजर्स हैं, अर्थ मूविंग एंड लेवलिंग मशीन जो होती है, हमारे स्केल्टर्स होते हैं, कूलिंग टावर्स होते हैं, क्रैंकशाफ्ट, सीविंग मशीन और द टेलर्स डमीज जो टेलर्स के यहाँ पे डमीज यूज होती है बेसिकली, बेयरिंग हाउसिंग, गियर्स एंड गियरिंग बॉल, यानी कि सब इस तरह के जो आइटम्स हैं सब पे टैक्स रेट रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, इलेक्ट्रिकल अपार्टस, साउंड रिकॉर्डिंग, तो साउंड रिकॉर्डिंग के जो पार्टस हैं उस पर भी रिड्यूस किया गया है रेट, सिग्नलिंग सेफ्टी एंड इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, फिजिकल एक्सरसाइज इक्विपमेंट, तो एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स को गवर्नमेंट एक अच्छे बढ़त दे रही है यहाँ पे, तो टैक्स रेट उन पर रिड्यूस करे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे टैक्स रेट यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स जो बेसिकली डेकोरेशन वगैरह के काम में आते हैं, एक्सप्लोसिव्स, एंटी नोकिंग प्रिपरेशन एंड फायरवर्क्स, कमाल है, मतलब फायरवर्क्स पे वैसे बैन भी लगता है लेकिन फायरवर्क्स पे यहाँ पे टैक्स रेट भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है, कोकोआ बटर, फैट ऑयल, एक्सट्रैक्ट एसेंस, कंक्रीट, कॉफी, कुछ खाने पीने के आइटम्स दोबारा, चॉकलेट, च्युइंगम, माल्ट एक्सट्रैक्ट, वेफर्स एंड द वेफर्स, चॉकलेट और कंटेनिंग चॉकलेट, रबर ट्यूब्स, चॉकलेट के काफ़ी सारे फैंस हो तो चॉकलेट के काफ़ी सारे प्रिपरेशन पे टैक्स रेट कम हो गया यहाँ पे, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स एंड सिनेमेटोग्राफ कैमराज एंड द प्रोजेक्ट इमेज प्रोसेसर्स, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज़ है, माइक्रोस्कोप स्पेसिफिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, मिट्रियोलॉजी इक्विपमेंट्स, हाइड्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जियोलॉजी कम लोगों के लिए रेलिवेंट होगा, सॉल्वेंट, थिनर्स, हाइड्रोलिक फ्लूड्स एंड एंटी फ्रीजिंग प्रिपरेशन, ये सब वो आइटम्स थे जिन पे कि 28% से गवर्नमेंट ने 18% टैक्स रेट को स्लैश किया है, जिसके लिए प्रूनिंग वर्ड आजकल काफ़ी यूज़ किया है, तो प्रूनिंग की है यानी कि चर्निंग करके उसको रिड्यूस किया गया है। अब कुछ वो आइटम्स सिर्फ दो ही हैं जिन पे कि टैक्स रेट 28 से सीधे 12% कर दी गई है, और ये है वेट ग्राइंडर्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन एज ग्राइंडर, तो जहाँ पे पत्थर से ग्राइंडिंग करने का काम होता है जैसे चक्की वगैरह, तो वो वेट ग्राइंडर्स बेसिकली, टैंक्स एंड अदर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, तो टैंक्स वगैरह पे जो टैक्स रेट है वो कम कर दी गई है। उसके अलावा जो बाकी चेंजेस है अभी 18-12% वाला स्लैब भी हम एक बार देखेंगे, कंडेंस मिल्क, रिफाइंड शुगर सब अभी खाने पीने के आइटम है जो 18-12 वाले हैं, पास्ता, करी पेस्ट, मेयोनीज न्यू जनरेशन को काफ़ी पसंद आती है, डायबिटिक फूड जितने भी हैं,
medicinal grade oxygen printing ink handbags and shopping bags of जूट एंड कॉटन, यानी कि बाकी बैग्स पे नहीं होगी. ऑल दो लेदर पेशेंट्स पे उन्होंने ऊपर भी टैक्स रेट अपनी रिड्यूस किया, बट हैंड बैग्स पे नहीं थी, वो अपार्टस अप्रेल्स वगैरह पे थी. हैट्स निटेड और क्रॉस्ड द पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीनरी. तो कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को इसमें इशू था, तो वो अब उन्होंने उसको सीधा 18% से 12% कर दिया है. स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ सीइंग मशीन स्पेक्टिकल फ्रेम्स फर्नीचर होली मेड ऑफ बम्बू और केन. 18% से 12% वाले डिस्कस किए अभी अभी आइटम्स हमने. अब जिन पे 18% से सीधा 5% कर दिया गया है, पफ राइस चिक्की, इसको हर बारी थोड़ा थोड़ा शायद रिड्यूस किया जाता है. तो पफ राइस चिक्की, पफ राइस पे पहले ही टैक्स रेट काफ़ी कम है, तो अभी जो चिक्की है उसकी, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, तो खाने पीने पे गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है पब्लिक के. फ्लोर ऑफ पोटेटोज पुट अप इन अ यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग ए ब्रांड नेम, तो अगर उन पे ब्रांड नेम भी है दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो भी आपको उस पे 5% अभी टैक्स रेट देना है. चटनी पाउडर, फ्लाई ऐश, सल्फर रिकवर्ड इन रिफाइनिंग ऑफ क्रूड एंड फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, इन सब पे 18% से सीधा 5% टैक्स रेट किया गया है. 12% से 5% वाले भी एक बार देख लेते हैं. तो ये है डेसिकेटेड कोकोनट नैरो वुवन फैब्रिक इंक्लूडिंग द कॉटन न्यूअर इडली डोसा बैटर, तो खाने पीने के आइटम पे अगेन. फैशन लेदर कैमियोज एंड द कंपोजिशन लेदर क्वेयर कोल्डेज एंड रोप्स जूट ट्वाइंस क्वेयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जूट के मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं. फिशिंग नेट एंड फिशिंग हुक्स, तो आप फिशिंग खूब कीजिए. साथ में वोन क्लोदिंग एंड फ्लाई ऐश ब्रिक, इन सब पे जहाँ पे सीधा 12% से 5% किया गया है. 5% और निल, तो ये लोग बहुत खुश होंगे जिनपे 5% था, पहले भी कम था और अब बिल्कुल ही खत्म हो गया है. ग्वार मील, हॉपकॉर्न अदर देन ग्राउंडेड पाउडर्ड इन द पैलेट फॉर्म, सर्टेन ड्राइड वेजिटेबल्स सच एज स्वीट पोटैटोज इन मैनियर, अंडरवर्क्ड कोकोनट अनवर्क्ड कोकोनट शेल, फिश फ्रोजन और ड्राइड एंड खांडसारी शुगर, तो खूब सारे शुगर आप अब खा सकते हैं क्योंकि टैक्स रेट गवर्नमेंट ने उस पर नील कर दिया है 5% से खांडसारी शुगर पे. मिसलिनियस कुछ अलग अलग जीएसटी रेट्स भी हैं, जैसे इंजन एयरक्राफ्ट है जिस पर रिड्यूस की गई है जीएसटी, उन बैंगल्स जो लाख और शेलक की बनी होती हैं, तो वो 3% से नील कर दी गई है. तो ये हमारे मेजर चेंजेस थे जो टैक्स रेट से रिलेटेड थे. और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, दूसरे वीडियो में हम लोग जो प्रोसीजरल चेंजेस हैं या जो रिटर्न से रिलेटेड हैं उन सबको कवर कर चुके हैं. तो ये हमारे थे मेन टैक्स रेट से रिलेटेड चेंजेस. होप ये वाली मीटिंग काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत सारी होप लेके आई है और काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने. तो बहुत सारी शिकायत जो थी पहले से अभी वो थोड़ी सी कम हो गई है हम सब लोगों की. तो ऐसे ही सारे क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए. अभी और भी बहुत सारे कंसल्टेंट आएंगे जो आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वर्टिकल्स की लेटेस्ट अपडेट और वो सारे नॉलेज लेके आएंगे जो आपको एज ए बिजनेस ऑनर होनी चाहिए अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए. क्योंकि हम में से काफ़ी लोग काफ़ी कुछ अभी भी गलत करते हैं. पहले चेक्स नहीं होते थे, पहले चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ सिंक्रोनाइज होगा तो चीज़ें वैसे नहीं चल पाएंगी. तो कीप अपडेटेड सब कुछ जो हमें पता होना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.